कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। इसकी दहशत का अंदाजा इस कदर लगाया जा सकता है कि एक प्लेन में पैसेंजर को छींक आ गई और हुआ ये कि उसका पायलट कॉकपिट के इमरजेंसी गेट यानी खिड़की से बाहर कूद गया। दरअसल यह घटना एयर एशिया इंडिया की पुणे दिल्ली फ्लाइट I-5732 की है। शुक्रवार को प्लेन के अंदर तब अफरा तफरी मच गई जब पता चला कि फ्लाइट में कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मरीज यात्रा कर रहा है, क्योंकि एक यात्री को छींक आ गई और उसने छींक दिया। इसकी खबर मिलते ही जैसे ही लैंडिंग हुई, पायलट इन कमांड ने कॉकपिट के इमरजेंसी एग्जिट से छलांग लगा दी। आमतौर पर पायलट प्लेन के सामने वाले गेट का ही उपयोग करते हैं, लेकिन जब उसे पता चला कि पहले ही पंक्ति में बैठे यात्री ने छींका है तो वह घबरा गया और छलांग लगा दी। इसके बाद सभी यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि सभी यात्रियों को पिछले दरवाजे से सुरक्षित बाहर निकाला गया। जिस यात्री को छींक आई थी उसे आगे वाले गेट से बाहर निकाला गया। सभी यात्रियों की बाद में जांच की गई और सभी का टेस्ट नेगेटिव आया। सुरक्षा उपाय के रूप में लैंडिंग के बाद विमान को अलग खड़ा किया गया था। घटना के बाद एयर एशिया इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि विमान की पूरी तरह से एंटी इन्फेक्शन से गहरी सफाई की गई है। हमारे चालक दल ऐसी घटनाओं के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। इसके साथ ही उन्होंने इस विषम परिस्थिति में धैर्य से काम लिया, यह बहुत तारीफ की बात है। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरें सबसे पहले पाने के लिए बने रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।